गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 11th क्लास फिजिक्स. टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. कल हमने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल के लिए निकाला था, तो उसमें आई की वैल्यू आई क्या था, डोनेशन किसकी, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर. ये सिस्टम किसके लिए था, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए. अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या है, तो देखो ये कोई बॉडी है, बॉडी उस बॉडी का क्या लिया मैंने, सेंटर ऑफ मास. और सेंटर ऑफ मास हमने स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके, लास्ट वीडियो अच्छे से देखना. तो ये जो पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे इस पार्टिकल फर्स्ट है एक पार्टिकल, उसका मास m1 और उसकी रेडियस r. फिर एक और पार्टिकल है उसका मास m2, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी ली r. एक और लिया उसका मास m3, उसकी डिस्टेंस r3. ऐसे ऐसे n पार्टिकल लिए mn and r. ऐसे ऐसे मैंने n पार्टिकल ले लिए, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल टोटल आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू आई एन तक, ठीक है. हमें क्या निकालना है इसका एन पार्टिकल के लिए, तो आई जब मैं फर्स्ट का निकालूंगी आई वन तो क्या आएगा एम वन इंटू आई वन का स्क्वायर. सेकेंड का निकालूंगी एम टू इंटू आर टू का स्क्वायर. थर्ड का ऐसे ही एम थ्री इंटू आर थ्री का स्क्वायर अप टू एन एच टर्म तक. आई एन का क्या जाएगा एम एन इंटू आर एन का स्क्वायर, ठीक है. इन सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो करो, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो देखो क्या आया. पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो क्या आया, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू एम एन आर एन. इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसका ओनली रिजल्ट है. तो इसको एन नंबर तक सम किया तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, समेशन आई की वैल्यू वेरी करेगी वन से लेके कहां तक, एन तक, और एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर. और इस इधर क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया. ये किसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकल गया, अगर हमें किसके निकालने हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी एन पार्टिकल है और उन पार्टिकल का निकालना है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. समझ आया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालना है. अगर यहाँ पे तीन सिस्टम की बात करते तो क्या जाता है, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री डिवाइडेड, ठीक है, ऐसे निकल जाता. ये किसके लिए बन गया, एम के लिए, जहां पे क्या है आई इज इक्वल टू समेशन स्मॉल आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, वन से लेके एन तक. यानी अगर टू पार्टिकल का है तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, ओके. फिर जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो तो सेम है, बट उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. उस ऑब्जेक्ट का मास सेम है, उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. समझ आया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड कर गया, यहाँ पे मास पे और रेडियस पे. जरूरी नहीं है वो और चीज पे भी डिपेंड करता है, रेडियस और मास के इनके अलावा वो और चीज पे भी डिपेंड करता है. किस पे, कि वो किस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उस पे भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है. समझ आई. थर्ड पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि वो किस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, उस पे भी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या करता है, डिपेंड करता है. जैसे कि हमने देखा ये कोई रिंग है, ठीक है, और ये कोई पार्टिकल है. ये पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, इस पे रोटेट कर रहा है. तुम देखेंगे ना कौन सी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उस पे भी क्या करते हैं, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ठीक है. फिर जो पॉइंट है वो मान लो, यहां तक समझ आ रहा, तो किस किस के ऊपर डिपेंड,
एक्सिस पे, मास पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डिपेंड। अब हम मान लेते हैं कि हमने दुकान मार्केट से आयरन को, कुछ भी आयरन की चीज खरीद लेते हो। ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये है एक डिस्क, ये तो क्या है डिस्क, और एक मैं ले, हम ले लेते हैं व्हील, पहिया ले लेते हैं। ये मैंने व्हील लिया, अब इसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पे, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहां पे। इसको मैंने क्या किया, तीन अंदर इसके लगा दिए हमने, तीन उनसे अटैच कर दिया स्ट्रिंग से, ठीक है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर में। इसका जो मास है वो 5 kg, इसकी रेडियस 1 meter। इसका भी मास है वो भी कितना है, 5 kg, इसकी भी रेडियस कितनी है, 1 meter। हमें चेक करना है कि किसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। एक हम चेक कर लेते हैं कि जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अब यहां कहां देखे, यहां पे जो इसका मोमेंटम है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो इसके पूरे के अंदर चला जाएगा ना, ऐसे इसकी जो डिस्टेंस है देखो, आई किसके इक्वल है, एम इंटू आर स्क्वायर। इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे जाएगा, ये कहां जाएगा इसके अंदर, ओनली सर्कमफ्रेंस पे जाएगा। तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी ना इसकी, इतनी डिस्टेंस, ये ज्यादा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा। यहां पे ये ऐसे जाएगा, ऐसा चल रहा है ना, तो देखो फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री, ये आर फोर, ये आर फाइव, तो इसकी डिस्टेंस तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी कम। यहां पे इसकी डिस्टेंस तो इक्वल है, इक्वल है ना, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पे तो इसका जो है सर्कमफ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पे इसमें पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो किसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, व्हील का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, शेप और साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, किसकी वजह से, शेप की वजह से इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे भी तुम्हें चेक करने हैं कि किसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। कुछ बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर पॉइंट दे रखे हैं कि किसका मोमेंटम, जो टेबल है कि अगर हम बात करते हैं शेप की। अब मान लें मैंने डस्टर लिया, अब मैंने रखा यहाँ पे फिंगर होल करके, यहाँ पे इसको रख दिया सेंटर पे, तो मैंने चेक किया कि इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कैसे, एक्सिस है, रिंग ली मैंने, शेप ले लेती हूँ मैं रिंग, एक्सिस ले लेते हैं नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। अब मैंने इसको सेंटर पे रखा, सेंटर पे रखा, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आर वन, यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी ली, आर टू, अलग अलग आ गई। अब इसी बॉडी को मैं एक्सिस पे यहां पे ऐसे ऐसे भी रोटेट करवा सकती हूँ, तो इधर से इसका जो मोमेंट डिस्टेंस वो तो ज्यादा है, यानी एक ही बॉडी की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस हो गई। अगर हम एक्सिस की बात करते हैं कि अलग अलग एक्सिस पे चेक करते हैं, तो डिस्टेंस क्या है इसकी, डिफरेंट आई, तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो वो जो टेबल दे रखी है कि शेप अगर हम रिंग लेते हैं नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। ये